बरसता रहा। सो आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट मुझे लिम्फोमा डिटेक्ट हुआ था June 30th, 2023। जैसे मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, ठीक है मेरे लिए मतलब लाइक ठीक है हो गया। अभी अभी वो फोर्थ स्टेज था ब्लड कैंसर लिम्फोमा। मेरे हस्बैंड, हमारी फैमिली में सिर्फ हम तीन लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 साल की बेटी, अभी वो 10 साल की हो गई है। जब मुझे कैंसर हुआ तब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन से खुशी की थी, क्योंकि मेरे घर में एक लॉस नहीं है, उसके मतलब दादा दादी कोई भी नहीं है, मतलब ब्रॉदर के बड़े भाई छोटे भाई कोई भी नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर सिर्फ उसके लिए लगता था कि अभी क्या आगे क्या होगा। उस टाइम जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मेरी आईज में सिंगल टियर नहीं था, बट आज बताते हुए क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। तब दास सर ने मेरी बायोप्सी करी थी एंड ही वाज लाइक कि सॉफ्ट टिश्यू है, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो सर के पास आए, उन्होंने कहा कि लिम्फोमा है और ये बहुत अच्छा रिकवरी होता है इसका, तो थोड़ा ठीक लगा। उसके बाद जब मेरे कीमो स्टार्ट हुए तब धीरे धीरे मतलब लाइक चीज़ें ठीक होने लगी, और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी वो 2 साल की जो बेटी है, वो मुझे कहती थी मम्मा आपको कुछ भी नहीं होगा, मैंने भगवान जी से प्रे किया आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। इवन तो वो इतना डरती है, वो हम लोग अभी भी रोड से बाहर जाते हैं ना तो मुझे फिक्र करके कहती मम्मा ये हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट मत होना, आप हॉस्पिटल मत जाना मुझे छोड़ के। इवन उसके सर को ऑडियो मैसेज भेजे कि थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल, आपने मेरी मम्मा को ठीक कर दिया। जिंदगी दी है उसने, देने वाला वही और लेने वाला वही, वो चाहे तो जिंदगी दे और चाहे तो जिंदगी ले, वही सर्वशक्तिमान है। बट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू डॉक्टर मनोज महाजन टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड ज्वाइन मी। Who provides life is called God. जिंदगी देने वाला भगवान है। मंदिरों में सर नहीं झुकाया मैंने, ये सर अगर झुका है और झुकता ही रहेगा तो जिंदगी है, ये सांसें हैं, इन सांसों को अगर रफ्तार किसी ने दी है, रफ्तार से रफ्तार मिलाकर चलना आसान नहीं, लेकिन इस रफ्तार को गति देने वाला भगवान मेरे साथ है। Sir has changed the meaning of cancer into see, care, attention, no negativity, comfort, empathy, and topmost is R, recovery. Recovery means all the survivors, they know, वो जानते हैं सभी survivors, recovery हमारे साथ है। डॉक्टर मनोज महाजन कैंसर के पेशेंट्स की रिकवरी का जीता जागता प्रमाण है, अनगिनत सांसें ले रहे हैं डॉक्टर मनोज महाजन की वजह से। भगवान है ठीक है, बट आई एम स्टैंडिंग विद माई गॉड। कहा जाता है कि हर बार पिछले 2 साल से बिना मेरे साथ में किसी फैमिली मेंबर के, परिवार का सदस्य हर मत मेरे साथ। और कैंसर हुआ था मनोज से ही कहा, और छोटी थी बहुत रोती थी, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, अमर गया सब समझाते थे, सब इसके साथ रहते थे, सारा स्टाफ का नाम तक इसको पता था, कौन क्या कर कि ये आना भी हाफ फुट ऑन आवर जैकेट होम। तो इसमें ये थोड़ा अधूरा सा है, इसमें जो मेन चीज आज डाली है वो ये हैंड्स है, जो एक डॉक्टर का और एक पेशेंट का। ये जो सिंबल है हम सबको और पूरी सोसाइटी में सबको डराता है, और ये हमको उस डर से बाहर निकालता है। तो किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 10 साल के बाद मेरे 10 साल को दिखाया, इन्हें किसी टेस्ट के डायग्नोज कर लिया कि आपको कैंसर है, लेकिन फिर भी आप यही संतुष्ट रही आप। जिसने भी उम्र में लोग आए
और सभी अच्छी होकर गए। और मैंने देखा वहाँ 1.5 साल की बेटी को लेकर के जब मदर फादर सर के पास आए, सर ने उनके लेवल पे जाकर के जो बातें की और उनको समझाया, और मैं उनको देख के भी दंग रह गई कि ये बच्ची को भी हो सकता है इतने छोटे बच्चों को। और हम तो चलो बहुत बड़े होते हैं और समझते हैं कि हमारे को कुछ हो रहा है, मगर जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, मैं आ रही थी मेडिकल जनरल हॉस्पिटल में नर्स रही हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं था मेरे को ये पीड़ा हो रही है। जब मेरी मदर की जब शांत हुई तो मुझे ये एकदम से मालूम हुआ, तो मैं मेरी मम्मी के पास गई कि मुझे ये क्या हुआ। तब उन्होंने बोला कि तुमको तो कैंसर हो रहा है, तो मैं उनसे ट्रीटमेंट लिए, उनसे सर्जरी कराई, और उन्होंने मुझे जैसे ही सर के पास में मुझे भेजा, और मैंने जब सर से पहली बार मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, और मैं इतनी वो हो गई कि मैं तो बीमार थी, मैं लेट जाऊंगी, मुझे ये है, मगर सर ने मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड को जो मोटिवेशन किया और जो हिम्मत और ढाढ़स बनाई, और मेरे साथ की मिसेस उन्होंने बताया ना बचा पाएगा, वो फिर हम आए हमारे ऑपरेशन किया, वो मेरा 1.5 साल हो गया है, मेरे को फिर नौ कहते हैं, मैं नौ का काम करता हूँ मेरेगा।